हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम रेटेड आर सुपरस्टार एज से। तो आप सब जानते हैं एज ने स्मैकडाउन पर लास्ट मंथ मैच रेसल किया था अगेंस्ट शेमस। उसके बाद से उन्होंने ऐसा टीज कर दिया कि वो शायद WWE से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, और इसके बाद ये रूमर्स भी आ रहे थे कि एज WWE छोड़कर अब AEW में चले जाएंगे। हालांकि उसके बाद एज ने एक वीडियो भी डाली थी अपने ट्विटर हैंडल पर, जहां उन्होंने ये कहा था कि वी वो स्टिल अनडिसाइडेड है कि वो क्या करना चाहते हैं। एक टाइम के लिए वो ये सोचते हैं कि वो एक्टिंग में चले जाएँ, या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएँ, या फिर वो WWE से हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले लें। तो अभी एज ने अपना डिसीजन नहीं बनाया, वो अपने डिसीजन बनाने के लिए टाइम ले रहे हैं। और रिसेंटली इस पर काफ़ी बड़ी अपडेट आती है PW Insider की तरफ से, जहां उनका ये कहना था कि एज को WWE ने इंटरनली रोस्टर से हटा दिया गया है। लेकिन WWE की वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखेंगे, स्टिल वेबसाइट पर एज को शो किया जा रहा है, लेकिन इंटरनली उन्हें हटा दिया गया है, ऐसा PW Insider का कहना था। लेकिन इसके बाद रिंग्स एंड न्यूज़ की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आती है, जहां उनका ये कहना था कि एज को मिसलेनियस लिस्ट में डाला गया, यानी कि ऐसी लिस्ट जहां पर इंजर्ड सुपरस्टार लाइक बिगी, ब्रॉन स्टोमन, इसके अलावा लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट में जो सुपरस्टार्स हैं लाइक अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, उसी लिस्ट में अब एज को डाल दिया गया है। यानी कि स्टिल अभी एज को हम कंसिडर नहीं कर सकते कि वो WWE से बिल्कुल ही जा चुके हैं। हो सकता है कुछ टाइम बाद वो WWE में वापस आ जाएं, या फिर वो हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एज हमें AEW में जाते हुए नजर आएँ। सारे ऑप्शन अभी हम खुले मानकर चलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एज आपको हो सकता है नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में रिटायर होते हुए नजर आएँ। देखते हैं भाई एज का फ्यूचर क्या रहता है। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ चलते हैं, और ये जुड़ी है रॉयल रंबल से। तो रिसेंटली WWE ने रॉयल रंबल की डेट एंड लोकेशन को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। ट्रॉपिकाना फील्ड टैम्पा बे फ्लोरिडा से आपको देखने को मिलेगी रॉयल रंबल। इसके अलावा इसकी डेट होने वाली है 27 जनवरी 2024, यानी कि इंडिया में आपको 28 जनवरी संडे को देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इससे जुड़ी बड़ी अपडेट से। तो WWE ने इसका ऑफिशियल पोस्टर भी सामने ले आया है, जहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार यहाँ पर मेंशन है। कोडी रोड्स, बैकी लिंच, सेथ रॉलिंस, शार्लेट फ्लेयर, एले नाइट को भी यहाँ पर मेंशन किया। इसके अलावा जजमेंट डे के मेंबर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो फैंस ने नोटिस की, रोमन रेंस, ब्लड लाइन के बाकी मेंबर्स, इसके अलावा ब्रॉक लेसनर इस पोस्टर में हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे, क्या इस पोस्टर को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा लें कि हमें रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और पूरी की पूरी ब्लड लाइन नेक्स्ट ईयर के रॉयल रंबल प्रीमियम इवेंट में देखने को नहीं मिलेगी? तो सबसे पहली बात तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि इतने बड़े टॉप स्टार्स को WWE फीचर नहीं कर रही है। लेकिन इसका ये मतलब कि नहीं है ये सुपरस्टार्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं। हो सकता है WWE ब्रॉक लेसनर को ऐसे सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पर यूज़ करे। और रही बात रोमन रेंस की, तो अभी फर्स्ट पोस्टर है, हो सकता है आने वाले पोस्टर में रोमन रेंस को फीचर किया जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर रोमन रेंस फुली फिट है तो वो फिर आपको डेफिनेटली रॉयल रंबल में कंपीट करते हुए नजर आएंगे। और इस साल हमने मनी इन द बैंक के साथ भी ऐसा ही कुछ देखा था कि रोमन रेंस को पहले एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा था, लेकिन बाद में हमें रोमन रेंस का मैच भी देखने को मिला था मनी इन द बैंक में। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है आपको रॉयल रंबल के साथ भी देखने को मिल जाए। और गाइस बस आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।